हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन ट्यूटोरियल। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि बॉडमास रूल क्या होता है और उससे हम सिंप्लीफाई कैसे करते हैं। पहले बॉडमास की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या है, बी फॉर ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स में हमें कुछ इस टाइप के ब्रैकेट्स देखने को मिलेंगे। ये होता है बार, ये होता है स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट एंड बिग ब्रैकेट। अगर आपको किसी क्वेश्चन में ब्रैकेट्स दिए हैं तो उसमें सबसे पहले अगर बार है तो हम बार को सॉल्व करेंगे, फिर स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर कर्ली ब्रैकेट सॉल्व करेंगे एंड देन बिग ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। फिर ब्रैकेट्स के बाद है ओ, यानी कि ऑफ। अगर ब्रैकेट्स दिया तो हम तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, लेकिन अगर ऑफ भी दिया है तो फिर ब्रैकेट के बाद हम ऑफ सॉल्व करेंगे। ऑफ को हम चेंज करके मल्टीप्लाई के साइन में कर देते हैं। फिर है डिवीज़न। अगर क्वेश्चन में डिवीज़न है तो फिर हम डिवीज़न को सॉल्व करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन एंड देन सब्ट्रैक्शन। हम इसे क्वेश्चन में इस तरीके से सॉल्व करते जाएंगे, हमारा आंसर आता जाएगा। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, 81 माइनस 12 ऑफ 3 डिवाइड का साइन 4 मल्टीप्लाई 6 माइनस 8 प्लस 19। अब इसमें कोई ब्रैकेट नहीं है, इसमें ऑफ है, यानी कि हम सबसे पहले ऑफ सॉल्व करेंगे। 81 माइनस, मैंने कहा था ना इसे मल्टीप्लाई का साइन दे देते हैं, तो 12 थ्री ज़ा 36, फिर डिवाइड का साइन, फिर हम एज इट इज़ क्वेश्चन लिख लेंगे। ओके, अब हमें डिवाइड को, सबसे पहले हमें डिवीज़न को सॉल्व करना है, तो 81 हम ऐसे लिख लेंगे एज इट इज़। 36 डिवाइडेड बाय 4 9, फिर मल्टीप्लाई 6 माइनस 8 प्लस 19। अब 81 माइनस, हमें डिवाइड के बाद क्या सॉल्व करना होता है, मल्टीप्लाई, तो 96 जा 54 माइनस का साइन 8 प्लस 19। अब यहाँ पे 81 और 19 ये दोनों प्लस का है, यानी कि 19 के आगे भी प्लस है, आगे भी कुछ नहीं है, तो हम इसे भी प्लस का ही मानेंगे। तो प्लस और प्लस इन दोनों डिजिट को एक साइड रख के, और 54 और 8 ये दोनों माइनस का है, तो इसे एक साइड रखेंगे। 81 प्लस 19, फिर माइनस का साइन है तो माइनस का साइन, फिर 54 माइनस 8। अब इसे सॉल्व करेंगे, 81 प्लस 19 100 माइनस का साइन, फिर हमें मल्टीप्लिकेशन के बाद एडिशन करना होता है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 54 प्लस 8 62, फिर हमें सबसे एंड में सब्ट्रैक्शन करना है, 100 माइनस 62 इज इक्वल टू 38, इसका आंसर आ गया। अब हम एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, इसमें ब्रैकेट्स भी रहेंगे। कैसे, 15 माइनस बिग ब्रैकेट 3 माइनस कर्ली ब्रैकेट 15 माइनस स्मॉल ब्रैकेट 2 माइनस 14 इंटू 6 बार कर्ली ब्रैकेट एंड देन बिग ब्रैकेट। अब इसे हमें सॉल्व करना है, तो इसमें हमें सबसे पहले क्या सॉल्व करना है, बार को। बार को कैसे सॉल्व करेंगे, हम ये सब एज इट इज उतार लेंगे। 14 सिक्स चा 84, हमने इसे सॉल्व कर लिया। अब हमें क्या सॉल्व करना है, स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करना है। ये सब तो हम एज इट इज उतार लेंगे। स्मॉल ब्रैकेट 2 माइनस 84 82, यहाँ पे हमने इसे सॉल्व कर लिया, तो हमारा स्मॉल ब्रैकेट हट जाएगा, कर्ली ब्रैकेट एंड देन बिग ब्रैकेट। अब 15 माइनस, अब हमें कर्ली ब्रैकेट सॉल्व करना है, बिग ब्रैकेट 3 माइनस 15 माइनस 82 73। अब हमें बिग ब्रैकेट सॉल्व करना है, 15 माइनस 3 माइनस 73 70, अब 15 माइनस 70 64।
5 इसका। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे। थैंक यू।